जी नमस्कार प्रणाम सुरहलवानी रेडियो सानवी छियानवे बुनका चार मेगा हर्च रेडियो सानवी छियानवे बुनका चार मेगा हर्च पर कार्यक्रम स्थानीय सरकार के साथ हमेशा के जैसा आज भी उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रभदेव से सानू जी स्थानीय सरकार में हमने स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि स्थानीय नेता कार्यकर्ता स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करे निशन और एकजने अतिथि के भी कार्यक्रम में विषय पर बातचीत करे के खातिर उपस्थित करानीसन लेके आवे निशन अतिथि के और हमेशा के जैसन आज भी एक जने अतिथि साथ में हम 6 बजे तक अपने से स्थानीय एगो विषय वस्तु पर बातचीत करम सन। खास करके 3 साल पहले स्थानीय स्तर के चुनाव भइल जब स्थानीय तह के चुनाव भइल 20 साल बाद जनप्रतिनिधि लोग देश में आइल लोग और ओकरा बाद 3 साल से अब बेसी बीत चुकल बा। खास करके लंबा समय के गैप के बाद स्थानीय तह के चुनाव भइला बाद स्थानीय जनता लोग के भी बहुत आस आ विश्वास रहे कि उ लोग के मन मुताबिक स्थानीय स्तर में ही विकास होई और विकास निर्माण के काम में गाँव पालिका नगर पालिका महा नगर पालिका जी इस सब स्थानीय तह का कर रहा बा 3.5 साल में कैसन विकास निर्माण के काम बाटे एकरा विषय पर बातचीत आज करम सन। आज विशेष करके हमनी महानगर पालिका बीरगंज महानगर पालिका के एगो वार्ड के बारे में चर्चा करम सन जी। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 कोर शहरी एरिया हुए। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 के वडा अध्यक्ष आज हमनी के साथ में बानी बातचीत करके खातिर विकास निर्माण के बातचीत करे के खातिर वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष जगत शाह कानू वहाँ से आज हमनी बातचीत करम सन। वहाँ से संपर्क करे के कोशिश हो रहा बाटे हमनी के संपर्क में लियावे के कोशिश कर रहा बन सन जगत शाह कानू वड़ा अध्यक्ष बानी हमनी के बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 वहाँ के भी निर्वाचित होके 3.5 वर्ष से बेसी कार्यकाल वहाँ के भी बीच चुकल बाटे और 3.5-4 वर्ष के बीच में कैसन कैसन खास करके वहाँ लोग स्थानीय विषय वस्तु के विकास के ध्यान में रख लेबा एकरा बारे में हमनी बातचीत करम सन। वहाँ से हमनी के प्राविधिक सहकर्मी सानू जी बात कर रहल बानी खास करके हमनी आज स्थानीय स्तर के बातचीत करम सन विषय बा स्थानीय स्तर में 3.5 साल में भइल विकास निर्माण। बीरगंज महानगर पालिका देश के औद्योगिक नगरी खास करके औद्योगिक क्षेत्र के भी रूप में भी चिन्हल जाला और बीरगंज महानगर पालिका के विकास अभी कैसन रहल बाटे खास करके एगो वार्ड विशेष कमनी विकास के बात करें सन एक कार्यक्रम में और आज भी एगो वार्ड के विषय में बातचीत करें सन। वार्ड नंबर चार के विषय में बातचीत करम सन वड़ा अध्यक्ष जगत शाह कानू जी से वहाँ हमने के साथ में संपर्क में भी जुड़ चुकल बानी। वड़ा अध्यक्ष जी कार्यक्रम में रौरा के स्वागत बा जी। वड़ा अध्यक्ष जी नेपाल के जी जैसे कि खास करके रौरा लोग के जितला जनप्रतिनिधि होके अपने के भी अला 3.5 वर्ष बीत चुकल वार्ड नंबर 4 एगो शहरी एरिया है खास करके विकास निर्माण के काम में कथी पर रौरा सबसे ज्यादा ध्यान दिले बानी। हमी के तो विकास में सबसे बेसी हमी के तो जितना बा रोड में जैसे वार्ड के जैसे ज्येष्ठ नागरिक लोग में और रुआ के जैसे कंप्यूटर तालीम के लड़का लोग के ये सब अब नाला के बेसी लेकिन उजियालो बिलगन तो अभी आये लो अब रोड के भी कार्यक्रम हमी के कासे बजट मिले ला मात्र कितना हमी के जम्मा 35 लाख रुपया मिले ला बजट जी। रौरा लोग के खास करके शहरी एरिया हो ओ के चलते पहले से विकसित बा कह के बजट कम मिले ला फिर भी अपने जोन कहनी कि जैसे नागरी लोग के विकास महिला बाल बालिका लोग के विकास में खास करके कैसन कैसन योजना रौरा 3.5-3 साल के कार्यकाल में ले आयल रहनी। हमी के जैसे अभी देखी कोविड में भी हमी के अपन तरफ से जैसे अब होकला की सैनिटाइजर मास्क ग्लव्स
दे के आ जैसे हमी के खाना के भी कार्यक्रम चलल कोविड 19 के खाना में भी हमी के नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में खाना भी 45 दिन खियनी 15 दिन हमी के बिरता वार्ड नंबर 4 धर्मशाला में खियनी सब ओमे सहयोग करे वाला रोटी क्लब सब जैसे हमी के क्वेस्ट फार्मा के निर्जू राज भंडारी सब के सहयोग से हमी के रोटी क्लब के जैसे नीरा डॉक्टर साहब लोग के सहयोग से उदय नारायण सिंह कुछ राजगिरी लोगे को कमिटी बनेल ओमे के संयोजक हम बनी कोविड 19 में हमी के पूरा जैसे गरीब लोग के भी खाना वाना के वितरण हमी के सही रही जी ओकर बजट विकास मेन विकास में कम तो विकास में हमी के चारों विकास देखी मुख्यमंत्री से भी एक के को हमी के मिलल बा 50 लाख के रोड हमी के जैसे हमी के वादा करा ले बा वहाँ से लेके आई न रही भाई 40 फीट के रोड तक में आरसीसी ढलान भेल रोड जी जी हमी के सांसदीय को से भी 11-12 लाख के बजट से प्रदीप यादव जी के भी कोष से बाजार में इंटरलॉक ईटा लागल जैसे हमी के भी अपन योजना से गली गली में ढलाई पीच जी जी सब करा दिले बनी सन उजियालो भी बत्ती खास करके बत्ती हरदम बर लेकिन काहे कि बहुत जगह बाटे एकदम एकदम हमी शिकायत ना मिली यानी कि बत्ती अपने लोग के बरेला फिर दिनों के बरे वाला स्थिति तो नहीं है कितना जगह दिन के भी बढ़ते हैं हमी के अपन सब हमी के एमसीबी डाल के जी जी सब बुताए वाला सिस्टम हम अपन एगो आदमी के रख के नाइके बाटे नाइके के कॉल तो कहाँ से सबेरे एकदम वो भोरे जन सब सफाई करे जाला वो सब बुताओ से जाला यानी कि वो सब खास करके ज्येष्ठ नागरिक के महिला बाल बालिका के अपने कहानी कंप्यूटर तालीम कितना बाल बालिका के लगभग अपने के टारगेट बा कंप्यूटर तालीम देले बानी कमती में हमी के 40 आदमी तक के दे देले बानी वैसे ब्यूटिशियन नहीं की देले सन हमी के और जैसे सिलाई भी नहीं बा एकरो भी देले बानी जैसे सिलाई भी नहीं के भी तालीम बाटे हमी के देले बानी 3-3.5 वर्ष में दू बार आई लॉकडाउन से अभी ऐसी हो के अभी फिर अभी चल रहा है जैसे पेंटिंग के भी कार्यक्रम हम देले बानी कपड़ा पर पेंट करके अथी बनाए के डिजाइनिंग बनाए के वो भी सब दिया इल्वा जैसे कि मापदंड कथी अपनावे नी लगन जैसे कि तालीम के जब छनौट होला सहभागी लोग के खास करके मापदंड कथी बा कौन हिसाब से मापदंड में अब हमें के देखी जितना बेरोजगार वाला के होकेला घर घर के छनौट करे नी की तनी शिक्षित तो दू पैसा के आय स्रोत हो कह के आदमी वैसा आदमी के छनौट करेला आ कंप्यूटर में तो हमी के 10th class 11th 12th ही सब पढ़ल लेका सब के वो सब के हमी के रखे नहीं खास करके बेसिक कोर्स जे के अब जैसे कंप्यूटर तालीम को हनी है तो खास करके अभी तो हर एक स्कूल में पढ़ाई होला कंप्यूटर तो अभी अभी तो हमी के रख ले ही नहीं किनो जी जैसे तो वो कनी है कि 3-3.5 वर्ष में पति भइल को अभी तो हर एक समुदाय के स्कूल में हमी के स्कूल में 50 गो 60 गो अभी कंप्यूटर रखल बा कन्या माँ भी हमारे स्कूल में बाहो में 20 गो 25 गो बा यानी कि अभी तो मोनोइशन ऐसी नहीं है और जैसे कि खास करके 3.5 साल में ये वो जन प्रतिनिधि के वड़ा अध्यक्ष के जनता के सबसे लगे के सरकार एगो महसूस भइल बा तो वो वड़ा अध्यक्ष हुए खास करके जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहल जन प्रतिनिधि नेता के रूप में वार्ड अध्यक्ष बा खास करके समस्या कितना होला रौरा लोग के काम करे में आ कैसा लागल संघीय जौन एगो वार्ड के बहुत अधिकार संपन्न दे देवल गई बा खास करके काम करे में दिकदारी कैसन भइल अपने लोग की हमी के दिकदारी कुछ ना हो कला देखी काम करे वाला आदमी के कभी दिकदारी ना हो काम करे वाला जे बा ओकरा कभी दिकदारी ना हो अब कामे ना हो तो ओकरा दिकदारी हो जी जी बहुत वार्ड अध्यक्ष भी ऐसा बा एगो ये महानगर पालिका का नहीं की कहत और जगह के भी बा अब अनेक अनेक लोग बा कोनो अब भ्रष्टाचारी में बा के कुछो में बा के कुछो में बा जी हमी के तो अभी ले हमी के महानगर पालिका हमी के मोटरसाइकिल दिलत तो हमी के तो मोटरसाइकिल तक ना लेनी था यानी कि अपने मोटरसाइकिल अभी नहीं चलत चढ़त जी ना हम तो महानगर पालिका
सबके लेलक हमी के मोटरसाइकिल ना लेने अभी तो फिर से फिरता कर रहा बा लोग लगभग फिरता करे तो अब करे वाला करे तो ले वाला जानी अब के लेलक काय फिरता करता यानी कि सेवा सुविधा बा जौन अपने लोग नहीं खिले जनता के काम ला खास करके कौन हिसाब से रौरा खटेनी जैसे कि बड़ा आदर्श बानी प्रत्यक्ष संपर्क में रहनी जैसे कि एगो ड्यूटी आवर रहेला उसे रात के भी क्योंकि काम पड़ जाला क्योंकि भोरे काम पड़ जात होगी उ समय में टाइम देवे नी कि ना एकदम रौवा पानी है एकरा खातिर बहुत धन्यवाद बा हमी के का बा कि अभी केहू के बियाह शादी हो गई यहाँ सफाई करे के बा तुरंत हमी के सर सफाई योजना से आदमी मांगे वहाँ से भी आदमी तुरंत मिलेला ऐसा बात नहीं के हमी के सर सफाई से भी तुरंत आदमी मिलेला तुरंत हमी के सर सफाई में भी आदमी कंटिन्यू लागल रहेला कि यहाँ ऐसा बात यहाँ फुहर उतना तो जल्दी हमी के दो टाइम बाटे फुहरे उठाए के यानी कि फुहर बेसी होत हो दो बजे अपने लोग के माने शहरी एरिया बा ज्यादा फुहर होला ई ओके चलते दो बेर उठाए के पड़ेला जी जी ना हमी के वार्ड में हम दो बेर अपन लगेले बनी दो टाइम खटे के पड़ी यानी कि खास करके अब जैसे कि आजकल देखल गई बा रोड पर फोहर बिग देवे के व्यवस्थित तरीके से डस्टबिन में ना रखे के अपने के वार्ड में कैसन बा लोग कैसन बा देखिए हमी के तो डस्टबिन भी हम बारे से बटले बनी हम खुद अपने घर घर जाके डस्टबिन भी देले बनी आ को भी दिया बा कि रउवा लोग फोहर अब में दूगो चार गो होकर तो डेरा वाला या घरे वाला लिया के रोड में फेंक देता मगर हमी के तो जितना भी डस्टबिन बटनी सन उतना कहनी सन की रोवा लोग फोर में रखी हमी के इतना बजे गाड़ी आई इतना बजे ठेला आई उ ठेला में रोवा लोग फोर देव कह के हमी के सबके अथी बा सिटी दिया बा सिटी बजा के सब फोर उठाएला अब खास करके एगो बात का बा जनता के कि अपने लोग महानगर पालिका के वार्ड अध्यक्ष बानी लगन अपने लोग के लगाए तो अन्य वड़ा अध्यक्ष के भी गुनासो एगो बा खास करके बजट कम मिलेला हमनी के इस सच्चा सच्चाई बात है रौरा लोग के बजट कम मिलेला एकदम हमी के बजट एकदम 35 लाख हम कहते बानी 35 लाख के बजट में चार पांच दू गो वार्ड हमी के गाभल बा पांच नंबर हमरे वार्ड में गाभल बा चार पांच गो वार्ड बा यानी कि 35 लाख अब वहाँ पारित अब वहाँ कितना एपी कर जाओ अब एबीसी छुट्टिया के वहाँ भैल अब लग अब रोगे कहते हैं कि रोगा लोग इनके विकसित वार्ड बा एकदम बढ़िया वार्ड बा ये ग्रेड के वार्ड में रोरा लोग गिना नहीं लगाने कर मतलब एक चलते अपने लोग चले हमी के देखी चार पांच छह सात आठ नौ ये इतने हमी के बजट में लला 35 लाख जी चार से लेके नौ नंबर वार जोन के ये वो शहरी एरिया हुए खास करके बीरगंज महानगर में तो आधा से ज्यादा तो लगभग लगभग अभी कॉल जाओ तो गाँव ही बा है ना ओके चलते रोरा लोग के छुट्टिया के कम मिलेला खास करके कितना बजट होके के चाहिए आ बजट कम मिलता टे तो खास करके ये समस्या काहे बजट कम मिलता समस्या कहाँ बा पैसा नहीं के कमती में 80 लाख 90 लाख रुपए का बजट होए के खास करके महानगर लगे पैसा नहीं के स्रोत साधन के अभाव बा उ समस्या हो कि और समस्या रोरा लोग बोर्ड में बैठा तो किम लगन बोर्ड में तो छलफल होत हुई कि पैसा कम बा समस्या का थी देखने समस्या अब जैसे अब कहिए देनी एबीसी छुट्टी आ रहा लोग मैं अब हमी के अब मेयर साहब अब कौन हिसाब से बजट छुट्टिया के हमी के देवे नी कहे नी की अभी पैसा हमी लगे हैले नहीं के इतना कर उठे के चाहिए इतने कर उठे था अब जैसे 70 लाख कर 70 करोड़ उठे के बा तो वहाँ 30 करोड़ कर उठेला महानगर के जनता तो कहता कि कर से सफल दबा गई नी सन इतना ना ज्यादा कर थुपार देवल गई बा जनता पर महानगर के जनता तो खाली कहता कि बहुत ज्यादा कर हो गई से बात सही है बाकी कर तो एकदम में ज्यादा ही बा या हमर घर को या केहू के घर को अभी नाता प्रमाणित के हमने देखनी है सन खास करके उ 50 रुपया 30 रुपया 10 रुपया में होके वाला काम तो एबरा 700 800 में होता 400 में होता खास करके चौहद्दी प्रमाणित से लेके यावत चीज बा जौन की बहुत ज्यादा खर्चा हो गई बा वार्ड कार्य प्रमाणित चौहद्दी प्रमाणित करनी है तो हमी के जगह अनुसार के देख के काटे जला 525 रुपया दस्तूर बा ऊपर नाता प्रमाणित में तो हमी के तो ना कटला 180 रुपया कटला जी नाता
मात्र अपने लोग के कर कहलावना कम बा जी। इस सब में तो हम के देखी अब नाता प्रमाणित जैसे कनिया रुआ चौधरी प्रमाणित और जगह देख के अब केहू के दौका दू कट्ठा बा चार कट्ठा बा ओकर अब हमी के शहर में जैसे कि केहू के साइडे चार कट्ठा पांच कट्ठा के प्लॉट हुई घर बनल वाला बनल चुनल में दस गो आवत हुई यानी कि कोई ना रौरा लोग के समस्या बा खास करके बीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब के कहना बा पैसा कम बा पैसा कहाँ से बेसी हो जबकि सबकी पूरा देश भर के राजस्व आर्थिक राजधानी तो ये बीरगंज हो सबसे बेसी पैसा तो बीरगंज में बा फिर भी महानगर पालिका के केंद्र से भी कहे नहीं की हम केंद्र से बजट मांग के लिए आए के पड़ेला केंद्र में जाए के पड़ेला ऊपर से बजट लेके आए के पड़ेला वहाँ भी अभी कोविड 19 से लेके ने तो एने हमी के मानी ना कोविड 19 और एने आके हमी के तो बजट और कम हो गेल बा। यानी कि कोविड के चलते तो और भी कोविड में टाल के टाल खर्चा हो गए बीरगंज महानगर पालिका में ओ के चलते भी समस्या अपने लोग के बाटे। अब जैसे कि खास करके रौरा लोग के अंत अंत में बानी सन बोला आदत छी 4 नंबर वार्ड के विकसित बनावे ला खास करके अब 1.5 वर्ष बाकी बाटे 1.5 वर्ष में कौन कौन काम करके अपने देखा दे बताओ जाओ। अब देखिए बजट जो नहीं जैसे अब हमी के संसदीय कोष से केहू उतना सहयोग नहीं के मिलत मुख्यमंत्री जी से हुए और वार्ड में करोड़ों के मुख्यमंत्री कोष से चाहे केहू के कोष से काम होता आज 3 बरस 3.5 बरस में हमी के हुए कहत नहीं कि 50 लाख के एगो काम मिल बा 11 लाख के करीब में हुए लागल बा और हमारा कोनो ऐसा सहयोग चाहे मेयर साहब नगर स्तरीय चाहे कोनो ऐसा हमी लगे अभी काम नहीं कर मिला। यानी कि अपने लोग के कह जाओ ना काम अभी जोन बा जोन सहयोग जोन बा योजना के अनुसार बजट के अनुसार से काम हो पेला हमी के विकास उतने में करे नी उतने में हमी के वार्ड बहुत बढ़िया बा हमर जनता बहुत खुश रहेला कोनो ऐसा ठीक बा। बड़ा दादा जी अंत में ये कार्यक्रम ये रेडियो के मार्फत वार्ड के जनता के का कहे के चाहे आश्वासन काथी देहे वार्ड के जनता के तो हम ये टाइम की हमार वार्ड के जनता सुखी संपन्न रहो कोविड 19 एकदम हमी के बीरगंज से चलिए जाओ पूरा नेपाले के कहम की कोविड 19 चल जाओ कह के हम पशुपतिनाथ से आग्रह करें कोनो ऐसा बीमारी ना हो को कि हमी के देश गरीबी में डूबते रहो गरीब ते इंगे देश हो गई बा दोन नेता लोग के होंगे चल रहा बा राजनीति को कड़ा कड़ी चल रहा बा जी जी केंद्र में राजनीति संसद विघटन भइले अवस्था बाटे दोनों एक एगो दल दू गो थीरा में फाट के अभी रोड में बालो अपने के पार्टी भी अभी आंदोलन में ही रहल बा नेपाली कांग्रेस है कि ना। जी 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 बड़ा आदर जीव रेडियो सानभी के कार्यक्रम में व्यस्त समय के बावजूद भी समय देने एक खातिर रेडियो सानभी के तरफ से और हम प्रस्तोता राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के धन्यवाद जी। वहाँ रनिया वार्ड नंबर 4 के वड़ा अध्यक्ष जगत साह कानू खास करके 35 लाख वहाँ के बजट मिलेला कहत रनिय वार्ड नंबर 4 विकसित वड़ा के रूप में आवेला वो के चलते वहाँ वहाँ के बजट 35 लाख मिलेला उतने में उनकरा विकास करे के पड़ेला रकम कम हो गई और एकरा के बढ़ावे के परी कह के वहाँ के भी मांग रहल बाटे खास करके 3.5 साल के कार्यकाल वहाँ कहन कि ठीक है बीतल बा जितना मिलता उतना से हम विकास कर रहा बानी जनता के खुश रख ले बानी जी। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा बिहान फिर से आयम सन दोसर विषय वस्तु दोसर स्थानीय नेता के साथ में जनप्रतिनिधि के साथ में कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी नमस्कार।